हेलो दोस्तों तो हम किरण पब्लिकेशन से अपने एवरेज के सवाल कर रहे थे और एवरेज के सवाल में हम टाइप वन और टाइप टू के सवाल कर चुके थे टाइप वन के हम अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी फाइव क्वेश्चन कर चुके थे और टाइप टू के हम फिफ्टी फोर्टी क्वेश्चन फोर्टी फ़ाइव क्वेश्चन कर चुके थे अब हम टाइप थ्री कर रहे हैं इसमें थर्टी क्वेश्चन दिए हुए हैं तो सबसे पहला सवाल करते हैं हम इसका तो सबसे पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स इज़ वन यानी कि थ्री नंबर्स हैं इनका जो एवरेज है वो कितना है वन थर्टी फाइव अब एवरेज क्या होता है मिडिल वैल्यू होती है ठीक है यानी कि हम इसे ले लेते हैं मिडिल वैल्यू कितनी है हमारी वन थर्टी फाइव ठीक है ये एवरेज है द नंबर्स द लार्जेस्ट नंबर इज़ वन नाइन्टी फाइव एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू इज़ ट्वेंटी ठीक है यानी कि देखिए लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा लार्जेस्ट नंबर ये होगा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है हमारा क्या बोल रहा है वन नाइन्टी फाइव ठीक है और बाकी जो दो नंबर है उनका डिफरेंस कितना बोल रहा है वो है ट्वेंटी है ठीक है यानी बोल रहा है कि ट्वेंटी बाकी के दो नंबर्स हैं उनका पता नहीं है बाकी के कौन से दो नंबर्स ठीक है तो बाकी दो नंबर्स का डिफरेंस कौन सा है हम एक्स वाइनस वाई लेते हैं ऐसे कि डिफरेंस हमारा क्या दिया ट्वेंटी दिया ठीक है और यहाँ पर हम देखेंगे अगर और क्या बोल रहा है इसमें द स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा ठीक है तो देखिए इस, इसको क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करने की बेसिक मेथड से तो आप जा सकते हैं लेकिन वो बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा ठीक है हमें चाहिए शॉर्ट मेथड ठीक है क्योंकि हम कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की तैयारी तो देखिए इसको करने का डायरेक्ट तरीका क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस देख लिया हमने कितना है एवरेज से लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस सिक्सटी है और ये क्वेश्चन में हमें ट्वेंटी गिवन है ठीक है तो इन दोनों को हम सम करेंगे ये कितना और हमारा एट्टी ठीक है अब एट्टी को हमें कुछ नहीं करना है हमें आधा कर देता है यानी कि इसे टू से, से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो ये हमारा कितना आ जाएगा हाफ होके फोर्टी बस इस फोर्टी को जो भी एवरेज था उसमें से हमें माइनस कर देना तो एवरेज हमारा क्या था वन थर्टी फाइव इसमें से जब हम फोर्टी को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी इसकी नाइन्टी फाइव और यही हमारा आंसर है तो बस इस क्वेश्चन करने की यही शॉर्ट ट्रिक है कि जो भी डिफरेंस दिया हो और जो दो नंबर्स का वो दिया हो डिफरेंस वो सम करके आधा कर दीजिए और एवरेज में से घटा दीजिए और ये दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ फोर नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट थ्री इज़ फिफ्टीन यानी किन्हीं चार संख्याओं में से शुरू के तीन का एवरेज पंद्रह है यानी कि देखिए अगर चार संख्याएं ए बी सी और डी हैं तो शुरू के तीन यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इसका जो एवरेज है वो कितना दिया हमारा फिफ्टीन एवरेज ऐसे होता है ठीक है तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या होगा ये थ्री यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि फोर्टी ठीक है एक इक्वेशन ये आ गई हमारी और क्या बोल रहा है कि एंड दैट ऑफ द लास्ट थ्री लास्ट थ्री कौन से होंगे हमारे बी प्लस सी प्लस डी इनका जो एवरेज है वो कितना बोल रहा है सोलह ठीक है सोलह यानी जब हम इसका सम निकालेंगे तो बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी फोर्टी एट ठीक है थ्री ये थ्री यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अगर हम इन्हें इक्वेट करते हैं तो क्वेश्चन में हमें आगे क्या बोल रहा है कि लास्ट इफ़ द लास्ट नंबर इज नाइनटीन यानी कि इस नाइनटीन की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में कितनी वो डी की वैल्यू हमें कितनी दी लास्ट नंबर की वैल्यू नाइनटीन और हमसे पूछिए फर्स्ट नंबर यानी ए की वैल्यू तो देखिए अगर इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं तो ये फोर्टी एट बढ़ा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बी प्लस सी प्लस डी इज़ इक्वल टू फोर्टी एट और ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्ल टू फोर्टी फाइव अगर हम इन्हें इक्वेट कर देंगे माइनस कर देंगे तो देखिए यहाँ हमारा बी से बी कट जाएगा सी से सी कट जाएगा ठीक है यानी कि यहाँ पर डी की वैल्यू बड़ी होगी तो यहाँ पर हमें डी माइनस ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी थ्री अब डी माइनस ए का डिफरेंस थ्री आ रहा है और डी पहले क्योंकि बड़ी वैल्यू थी यानी कि डी की वैल्यू बड़ी होगी और ए की वैल्यू कम होगी अब डिफरेंस थ्री आ रहा है तो अगर डी की वैल्यू नाइनटीन है हमें क्वेश्चन में है ना डी की वैल्यू अगर हमें नाइनटीन दिए तो ए की वैल्यू हमारी कितनी होगी उसमें से हमें बस माइनस थ्री करना है तो ये हमारी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये हमारी ए की वैल्यू सिक्सटीन आ गई और यही आंसर है आइए अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स आर सच दैट द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज़ टू यानी कोई तीन नंबर है ए बी और सी ठीक है इसमें शुरू के दो नंबर का जो एवरेज है वो क्या है फर्स्ट टू नंबर्स का टू यानी कि ए प्लस बी का एवरेज अगर टू है तो सम क्या होगा इसका फोर ठीक है एंड आगे क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द लास्ट टू नंबर्स इज़ थ्री लास्ट टू कौन से बी प्लस सी यानी बी प्लस सी का एवरेज कितना है हमारा थ्री यानी कि सम क्या होगा इसका सिक्स और बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ़ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर यानी फर्स्ट यानी ए और सी ए प्लस सी का एवरेज कितना बोल रहा है ये हमारा बोल रहा है चार यानी कि सम क्या होगा इसका फोर टू जट ठीक है अब इसे करने के लिए क्या तीनों का एवरेज पूछ रहा है वो ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज पूछ रहा है वो ठीक है तो देखिए इसे हम सम समे हम ऐड कर लेते हैं तो ये ऐड कितना हो रहा है हमारा सिक्स फोर टेन और ये एटीन एट्टीन उसके बाद देखिए बी दो बार है सी दो बार है ए भी दो बार है तो हम एक कॉमन ले लेते हैं एक बार और हम इसे लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी ठीक है तो यहाँ से हमारी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही जब इस टू से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये नाइन ना आ गया और एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं एवरेज निकालने के लिए हम थ्री से डिवाइड कर देते हैं तो ये थ्री से डिवाइड करा जब हमने इसे काटा तो थ्री हमारा आंसर यही हमारा ए प्लस बी प्लस सी का आंसर एवरेज हो गया आइए अब हम क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय जीरो टू एंड फोर वुड बी अच्छा ज़ीरो दो और चार इन तीनों से ऐसे नंबर्स बनाना है जो लार्जेस्ट बन रहा है और जो सबसे स्मॉलेस्ट बन रहा है उनका सम करें तो उसका एवरेज क्या होगा ठीक है तो देखिए लार्जेस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा सबसे बड़ा नंबर आगे रखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर फिर टू फिर ज़ीरो हमारा हो गया लार्जेस्ट नंबर अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे ये मत रखिएगा कि जीरो को आगे रख दें अगर ज़ीरो को आगे रख देंगे हम सबसे पहले तो ये तो टू टू डिजिट्स का नंबर हो जाएगा क्योंकि आगे ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती ठीक है तो इसलिए स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे टू जीरो फोर ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है अब बस इसका सम करना है हमें तो ये हो रहा है सिक्स टू फोर अब एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम दो नंबर है हमारे पास एक नंबर ये एक नंबर ये दो तो बस इसे टू से हम डिवाइड कर देंगे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा टू थ्री जो सिक्स टू वन जे टू और टू फोर जो टू टू ज़ा फोर तो बस तीन सौ बारह हमारा एवरेज हो गया आइए अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ सिक्सटीन नंबर इज फोर्टी एट द एवरेज ऑफ द फर्स्ट सेवन नंबर इज फोर्टी फाइव एंड द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट सिक्स नंबर इज फिफ्टी टू more than नंबर इज then लेस नंबर एंड इज फाइव मोर 16 नंबर क्या होगा ठीक है तो देखिए इसमें क्या है सोलह नंबर का एवरेज हमें कितना दिया फोर्टी एट ठीक है और शुरू के सात शुरू के सात नंबर जो है उनका एवरेज हमें दिया फोर्टी फाइव ठीक है और उसके बाद के जो छः हैं उनका एवरेज हमें दिया फिफ्टी टू अब यदि कितना हो रहा है छः छः बारह तेरह तेरह हो रहा है और ये सोलह दिया जबकि ठीक है तीन नंबर बच गए तो छः छः बारह तेरह के बाद चौदह पंद्रह और ये सोलवा सिक्सटीनथ नंबर ठीक है ये नंबर रहेगा हमारे इनकी कंडीशन क्या दी है हमें कि जो फोर्टीनथ नंबर है वो लेस है फिफ्टीन नंबर से ठीक है तो हम क्या करते हैं इसको मान लीजिए इसको एक्स ले लेते हैं फोर्टीन नंबर को हमने एक्स लिया तो फिफ्टी नंबर हमारा कितना हो जाएगा एक्स प्लस इलेवन और दूसरी कंडीशन क्या दी है कि और पाँच ज़्यादा है सिक्स नंबर से ठीक है तो यानी कि हम इसमें से पाँच माइनस कर देंगे तो बस ऑटोमेटिक आ जाएगा फोर्टीथ हमारे इलेवंथ एक्स्ट्रा है ठीक है अब हम इसे क्या है हम इसे कंपेयर मेथड से सॉल्व करेंगे देखिए ये टोटल एवरेज से ये वाला कितना कम है तीन कम है ठीक है इसकी वैल्यू कितने लोगों पर सात पर यानी ये माइनस कितना हो रहा हमारा ट्वेंटी वन ठीक है अब ये कितना ज़्यादा है तो ये प्लस फोर ज़्यादा है ठीक है टोटल तो तो एवरेज से फिफ्टी टू कितने लोगों पर छः लोगों पर यानी कि प्लस का कितना हो रहा है ट्वेंटी फोर डिफ्रेंस कितना आ रहा हमारा प्लस का थ्री तो यानी कि यहाँ हमें क्या चाहिए माइनस का थ्री ठीक है ठीके? अब ये माइनस का थ्री है अब ये जो माइनस का थ्री है ये तो हमारा तीन लोगों का एवरेज दिया है ठीक है और हमें चाहिए तो तीन का है तो हम इसे तीन से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो रहा है ये हमारा माइनस वन अब ये जो इन तीनों का एवरेज क्या होगा ना ये माइनस वन जो है तो टोटल एवरेज में से घटा देंगे वही इन तीनों का एवरेज होता है ठीक है तो इन तीनों का एवरेज तो कैसे लिखेंगे हम एक प्लस एक्स प्लस एलेवन प्लस एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई थ्री ये होता है एवरेज ठीक है और ये कितनी वैल्यू आई थी माइनस वन आई थी तो इसमें से माइनस वन घटा देंगे हम फोर्टी एट में से एक गया तो कितना बचा फोर्टी सेवन ये इन तीनों का एवरेज बस इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये कितना और हमारा थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सेवन थ्री जे ट्वेंटी वन और टू फोर थ्री जेड ट्वेल्व और थर्टीन फोटीन वन फोर्टी वन थ्री एक्स की वैल्यू कितनी आएगी कि ये प्लस का सिक्स यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा वन थर्टी फाइव यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी हो रही है फोर फाइव फोर्टी फाइव एक्स की वैल्यू हमारी फोर्टी फाइव ठीक है अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि फ़िफ्टीन तो और सिक्सटीन नंबर का एवरेज निकालिए ठीक है थीके? तो देखो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं फिफ्टी नंबर क्या है हमारा एक्स प्लस इलेवन यानी ये फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव प्लस इलेवन कितना हो रहा है ये फिफ्टी सिक्स ठीक है प्लस सिक्सटीन नंबर क्या है एक्स माइनस फाइव यानी ये फोर्टी फाइव है तो इसमें से फाइव जाएगा यानी फोर्टी बस इसका एवरेज निकालना है तो कितना हो रहा है पाँच चार नौ नाइन्टी सिक्स बाई टू यानी कि फोर्टी एट ये हमारा आंसर हो गया ये, ये एवरेज है आइए हम क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ ट्वेंटी टू नंबर इस फिफ्टी टू यानी ट्वेंटी टू नंबर्स का एवरेज कितना है फ़िफ्टी टू ठीक है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एट नंबर यानी शुरू के आठ नंबर का एवरेज कितना है हमारा फोर्टी एट है एंड द एवरेज ऑफ़ नेक्स्ट एलेवन नंबर इस फिफ्टी फोर और उसके बाद जो एलेवन नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है फिफ्टी फोर ये कितना हो गया ग्यारह और आठ उन्नीस उन्नीस के बाद देखिए ट्वेंटी एथ नंबर होगा ट्वेंटी फर्स्ट नंबर होगा और ट्वेंटी सेकेंड नंबर होगा ठीक है तो का इनकी कंडीशन कह दी है कि द एथ नंबर इज सेवन लेस देन ट्वेंटी फर्स्ट नंबर तो मान लीजिए कि यह ट्वेंटी क्या है हमारा एक्स है ठीक है तो क्या बोला ट्वेंट नंबर इज सेवन लेस देन ट्वेंटी फर्स्ट नंबर तो ट्वेंटी फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा एक्स प्लस सेवन देखिए ऑटोमेटिक इससे सेवन कम हो गया एंड इज एंड ट्वेंटी वन नंबर इज फोर मोर देन ट्वेंटी सेकेंड नंबर और ये ट्वेंटी वन जो नंबर जो है और ट्वेंटी सेकेंड वाले से चार ज़्यादा है यानी कि ये वैल्यू हमारी एक्स प्लस थ्री होगी तभी तो फोर्थ जोड़ेंगे तो सेवन हो जाएगा बस ये भी सेम वैसे ही होगा देखिए जैसे हमने पुराना क्वेश्चन किया था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा बस यहाँ पर कंपेयर मेथड लगाइए एक्स की वैल्यू निकालिए और ट्वेंटी और ट्वेंटी की वैल्यू निकालिए उनका एवरेज निकाल दीजिए तो सेम क्वेश्चन है इसे आपसे खुद से करके देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ कंपेयर मेथड मुझे आई है या नहीं ठीक है तो ऐसे करिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेवेंथ क्वेश्चन आइए आप सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं तो ये बोल रहा है द एवरेज ऑफ ट्वेल्व नंबर इज़ फोर्टी टू यानी कि बारह नंबर का एवरेज फोर्टी टू है द एवरेज ऑफ द लास्ट फाइव नंबर इज़ फोर्टी यानी लास्ट के जो फाइव नंबर हैं उनका एवरेज कितना है फोर्टी ठीक है एंड दैट ऑफ द फर्स्ट फोर नंबर शुरू के जो चार नंबर है उनका एवरेज कितना है फोर्टी फोर्टी फोर ठीक है तो ये कितना हो रहा है पाँच चार नौ अब दस ग्यारह बारह तीन नंबर बचे हैं फोर के बाद यहाँ पर क्या होगा एक तो देखिए एक होगा फिफ्थ देन सिक्स एंड देन सेवेंथ यही तीन नंबर होंगे अभी पूरे देखिए बारह हो रहे हैं पाँच चार नौ दस ग्यारह बारह ठीक है तो इनकी कंडीशन क्या दी द सिक्स्थ नंबर इज सिक्स लेस देन द फिफ्थ नंबर ठीक है एंड फाइव लेस देन द सेवंथ नंबर ठीक है तो हम इसे क्या लेते हैं दिक्स नंबर इज सिक्स लेस देन फिफ्थ नंबर है ना तो हम क्या करते हैं हम फिफ्थ नंबर को एक्स ले लेते हैं देखिए है। तो आप क्या बोल रहे थे सिक्स्थ नंबर इस सिक्स लेस तो सिक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स माइनस सिक्स क्योंकि पाँचवें वाले से छः काम है और बोल रहा है कि छठवा नंबर जो है सेवन्थ वाले से पाँच पाँच काम है ठीक है यानी कि ये एक्स माइनस वन होगा सेवन्थ वाला नंबर है तो बस अब ये देखिए ये भी सेम क्वेश्चन ही है फिफ्थ और सिक्स की तरह ही इसमें भी कंपेयर मेथड लगाई और वैल्यू निकालिए जो क्वेश्चन में पूछा है फिफ्थ और सेवन्थ का एवरेज तो पहले फिफ्थ की वैल्यू निकलेगी फिर सेवन्थ की और बस उसका एवरेज निकाल देना तो ये भी सेम क्वेश्चन है इसे भी खुद से करके देखिए तभी आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो एट्थ क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन भी हमारा सेम है फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ क्वेश्चन की तरह ही वो कंपेयर मेथड वाला ठीक है तो उसे हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी तीन क्वेश्चन हो गए हैं उस टाइप के तो अब हम नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं तो नाइन्थ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि फोर डिफरेंट कंपोजिट नंबर्स आर रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर ठीक है चार कंपोजिट नंबर है जो कि बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं ठीक है यानी कि अगर मान लीजिए कि ये वन है एक्स में लेते हैं ये वन एक्स है तो ये टू एक्स है ये थ्री एक्स है और ये फोर एक्स है क्योंकि एक एक से वैल्यू बढ़ रही होगी ठीक है तो बोल क्या रहा है कि वन थर्ड ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द फोर नंबर्स इज नाइनटीन लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ़ दिस नंबर अच्छा अगर सभी नंबर्स का एवरेज निकाला जाए यानी कि देखिए एवरेज कैसे निकलेगा चार तीन सात तीन दस यानी कि टेन एक्स बाय फोर ये एवरेज है इसका जो वन थर्ड है इसमें अगर उन्नीस जोड़ दिया जाए तो वो जो सबसे बड़ा नंबर है उसके बराबर होता है सबसे बड़ा फोर एक्स होता है फोर तो लिख दिया हमने अब बस अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो टेन एक्स अपॉन ट्वेल्व प्लस नाइनटीन इज़ इक्वल टू फोर एक्स तो ये ट्वेल्व इंटू नाइनटीन कितना होगा ट्वेल्व इंटू नाइन्टीन ये हो रहा है टू ट्वेंटी एट और ये टेन एक्स प्लस का साइन ये फोर एक्स फोर इधर ये ट्वेल्व जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो फोर्टी एट हो जाएगा फोर्टी एट एक्स बस अब ये टेन यहाँ फोर्टी एट में से माइनस होगा तो ये थर्टी एट एक्स की वैल्यू हमारी आएगी टू ट्वेंटी एट तो जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारी आएगी सिक्स ठीक है अभी एक्स की वैल्यू हमारी सिक्स आ गई अब देखिए अगर हम सिक्स की वैल्यू एक्स की जगह पुट करेंगे तो ये हमारी ये वाली वैल्यूज कितनी आएंगी तो देखिए एक्स की जगह हमने सिक्स पुट करा तो ये हमारा आएगा सिक्स और ये आएगा सिक्स टू जट ट्वेल्व यह आएगा सिक्स थ्री जै एटीन और ये सिक्स फोर जैट ट्वेंटी फोर ठीक है अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा था कि इफ़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर इज़ ट्वेल्व यानी शुरू के ये जो तीन नंबर हैं इनका एवरेज अगर ट्वेल्व है तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा आप देखिए एवरेज क्या होता है मिडिल वैल्यू होती है तो मिडिल वैल्यू हमारी ऑलरेडी ट्वेल्व निकल ही चुकी है तो बस जो लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में तो वो भी हमारी ट्वेंटी फोर होगी यही हमारा आंसर आइए अब हम क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन हमारा बोल रहा है कि देयर आर थ्री नंबर्स इफ द एवरेज ऑफ एनी टू ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड नंबर द सम ऑप्टेंडर वन सेवेंटी सेवन वन सिक्सटी थ्री एंड वन थर्टी एट ठीक है वॉट इज द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन नंबर देखिए अगर हम ऐसे क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा इसके लिए एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या होती है डायरेक्ट शॉर्टर यह होती है कि देखिए ए बी और ये सी ये तीन नंबर हैं ठीक है तो ये वन सेवेंटी सेवन लिख लो ये वन सिक्सटी थ्री लिख लो और ये वन थर्टी एट लिख लो इनका डबल करना है हमें डबल डबल ठीक है इन मतलब एक तरह से इनका सामने निकालना है क्योंकि शुरू के दो का एवरेज दिया हुआ है और उसमें से एक तीसरा नंबर माइनस हो रहा है ठीक है एड मतलब ऐड हो रहा है इसीलिए वो तब जाके ये हो रहा है तो हम क्या करेंगे देखिए 177 सेवेंटी सेवन प्लस वन प्लस वन इसका टोटल निकालिए और इसे इसका आधा कर दीजिए ठीक है तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो इसका ऐड हमारा टोटल कितना आ जाएगा फोर सेवेंटी एट डिवाइडेड बाई टू यानी कि टू थर्टी नाइन ठीक है तो ये टू थर्टी नाइन हमने निकाला है ना इस टू थर्टी नाइन को इस सभी में से माइनस कर दीजिए टू थर्टी नाइन टू थर्टी नाइन माइनस कर दीजिए तो बस हमारे नंबर्स निकल कर आ जाएंगे तो बस इसका डबल कीजिए और इस टू थर्टी नाइन इसमें से माइनस कर दीजिए तो इसका डबल आएगा हमारा थ्री फिफ्टी फोर उसमें टू थर्टी नाइन जाएंगे तो आएगा हमारा वन वन फाइव उसके यदि वन सिक्सटी थ्री इंटू टू होगा तो ये आएगा थ्री ट्वेंटी सिक्स इसमें से इस टू थर्टी नाइन जाएंगे तो ये एट्टी सेवन बचेगा और ये वन थर्टी एट टू कितना होगा ये हमारा होगा 276, इस टू सेवेंटी सिक्स इसमें टू थर्टी नाइन जाएंगे तो ये हमारा थर्टी सेवन होगा अब क्वेश्चन में ये हमारे तीनों नंबर निकल कर आ गए तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है बहुत कैलकुलेशन को ख़त्म कर देते हैं पूरा ठीक है तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है वन वन फाइव स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है थर्टी सेवन इसका एवरेज निकालना है बस तो कितना होगा देखिए ये वन फोर टू बाय टू नहीं सात पाँच बारह की दो हासिल है एक तीन चार और एक पाँच वन फाइव टू वन फाइव टू बाय टू ठीक है तो ये कितना हो रहा है टू सेवन जा फोर्टीन और टू सिक्स जहाँ ट्वेल्थ ये हमारा हो गया आंसर तो ये शॉर्ट ट्रिक हमें याद रखनी है ताकि ये हमारी कैलकुलेशन बहुत छोटा कर देती है ठीक है आइए हम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ करते हैं तो ट्वेल्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ़ फाइव पॉजिटिव नंबर्स इज फिफ्टी सिक्स ठीक है पाँच पॉजिटिव नंबर है उनका एवरेज क्या है छप्पन है इफ़ द फर्स्ट नंबर इज थ्री फोर्थ ऑफ द सम ऑफ द लास्ट फोर नंबर देन द एवरेज ऑफ द लास्ट फोर नंबर्स देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को क्या है पूरे डिटेल मेथड से जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा अगर ए बी सी डी ई लेके कर लिया तो फिर ठीक है तो इसे हम क्या करते हैं इसे रेशियो में कर लेते हैं ठीक है तो ये जो सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है इफ द फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर और के लास्ट के चार नंबर जो हैं ठीक है लास्ट के चार नंबर इनका रेशियो क्या बोल रहा है थ्री फोर्थ यानी कि थ्री बाय फोर ठीक है इनका रेशियो बोल रहा है थ्री बाय फोर है ना तो देखिए और ये क्या बोल रहा है कि पांच जो पॉजिटिव नंबर है उनका एवरेज कितना है फिफ्टी सिक्स यानी उनका सम कितना होगा फिफ्टी सिक्स इंटू फाइव यही होगा ठीक है और नंबर कितने हमारे चार तीन सात सात नंबर ठीक है ये एवरेज निकालने के लिए हो गया इंटू हम करेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि देन द एवरेज ऑफ द लास्ट फोर नंबर्स आखिरी के चार नंबर उनका टोटल कितना हो रहा है चार ही हो रहा है ठीक है क्योंकि थ्री बाई फोर्थ थे हमने यही ले लिया और चार नंबर हैं ठीक है तो बस ये एवरेज निकलता है इसको हम सॉल्व कर देंगे ये हमारा हो जाएगा आंसर फोर से फोर गया सेवन एट जा एट फाइव जा यानी कि फोर्टी ये हमारा हो गया आंसर जो कि लास्ट के फोर नंबर्स का एवरेज निकलेगा तो ये शॉर्ट ट्रिक है सीधा रेशियो से कर लीजिए क्वेश्चन खत्म आइए अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन करते हैं थर्टींथ क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं क्योंकि थर्टीन क्वेश्चन भी हमारे बाकी क्वेश्चन की तरह ही है वो जिसमें टोटल का एवरेज दिया रहता है उसके बाद शुरू के चार का दिया तीन के चार का दिया इसलिए हम थर्टीनथ वाले को छोड़ रहे हैं ठीक है फाइव सिक्स सेवन एट टेंथ वो क्वेश्चन थे उन्हीं की तरह ही है सीधा फोर्टी सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम फोर्टीथ क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि द एवरेज ऑफ फोर्टी टू नंबर्स यानी कि बयालीस नंबर है उनका एवरेज कितना दिया थर्टी सेवन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट ट्वेंटी सिक्स नंबर्स यानी शुरू के छब्बीस नंबर का एवरेज कितना है तो ये दिया हमें बत्तीस और बाद के सत्रह नंबर का एवरेज कितना है तो ये हमें दिया चवालीस अब देखिए टोटल नंबर कितने दिया हमें फोर्टी टू लेकिन जब हम इनसे इससे जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो रहा है ये हो रहा है छः छः बारह और एक तेरह और दो और दो चार यानी फोर्टी थ्री यानी कि इसमें एक नंबर ऐसा है जो कि डबल बार रिपीट हुआ ठीक है और वो नंबर कौन सा होगा वो ट्वेंटी सिक्स नंबर होगा ठीक है क्योंकि ट्वेंटी सिक्स ही हमसे क्वेश्चन पूछा है जो पूछा है वही रिपीट होता है इसका मतलब ठीक है तो फोर्टी थ्री नंबर है इससे कंपेयर मेथड से करते हैं देखिए ये टोटल एवरेज से कितना कम है तो ये फ़ाइव कम है कितने लोगों पर ट्वेंटी सिक्स लोगों पर और ये कितना ज़्यादा है इससे तो ये चार और तीन सात यानी कि सात ज़्यादा है कितने सत्रह लोगों पर आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए तो ये कित रहा छब्बीस पंचे आ, पंच तीन वन तीन दस तीन तेरह वन थर्टी माइनस वन थर्टी और ये किता आ रहा है सत्रह सत्ते कितना होता है सत्रह सत्ते वन वन नाइन सात सौ उनचास की नौले चार सात चार ग्यारह हाँ वन वन नाइन ठीक है तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है ये माइनस का आ रहा है हमारा दस और एक ग्यारह ग्यारह आ रहा है माइनस का ठीक है यानी कि इस ग्यारह को हम माइनस कर देंगे इसमें से तो वही हमारा वैल्यू निकल आएगा ठीक है तो जो तो ट्वेंटी सिक्स नंबर है वो कितना होगा थर्टी सेवन माइनस यानी कि ये टू सिक्स ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स नंबर की जो वैल्यू है वो ट्वेंटी सिक्स ही है बस तो यही हमारा आंसर और ये हमारी कंपेयर मेथड होती है ये दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर सोलह देखते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह क्या बोल रहा है हमारा कि द एवरेज ऑफ ट्वेंटी टू नंबर इज़ से थर्टी सेवन पॉइंट फाइव ठीक है यानी बाईस नंबर का जो एवरेज है वो कितना है थर्टी सेवन पॉइंट फाइव द एवरेज ऑफ फर्स्ट ट्वेल्व नंबर इज़ फोर्टी पॉइंट सिक्स अगले जो बारह नंबर हैं उनका एवरेज कितना है फोर्टी पॉइंट सिक्स ठीक है एंड दैट ऑफ द लास्ट ट्वेल्व नंबर इज थर्टी फाइव पॉइंट फोर और जो बाद के बारह नंबर हैं उनका है थर्टी फाइव पॉइंट फोर ठीक है अब देखिए बारह और बारह चौबीस हो रहा है यानी कि दो नंबर कोई से एक्स्ट्रा आ रहे हैं ठीक है थीके? दो दो नंबर ऐसे हैं जो दो बार काउंट हो रहे हैं और यहाँ पर बाईस हैं ठीक है थीके? तो वो नंबर कौन से हो सकते हैं वो नंबर ग्यारह और बारह हो सकते हैं क्योंकि वो लास्ट से जब हम काउंट करेंगे तब भी वो शुरू में काउंट हो जाएंगे और अगर शुरू से काउंट करेंगे तो लास्ट में दो बार काउंट हो जाएंगे तो इसीलिए ग्यारह और बारह ही वही नंबर हैं जो दो बार रिपीट हो रहे हैं ठीक है अब इसे कंपेयर मेथड से देखिए यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये हमारा डिफरेंस ये कितना आ रहा है इससे हम इसके कंपेयर करेंगे तो ये कितना एक्स्ट्रा आ रहा है ये आ रहा हमारा थ्री पॉइंट वन और ये इस टोटल एवरेज से कितना कम आ रहा है तो ये आ रहा हमारा टू पॉइंट वन ठीक है तो ये देखिए इससे हम डायरेक्ट कर लेते हैं डिफरेंस कितना आ गया प्लस का वन प्लस का वन कितने लोगों पर बारह लोगों पर यानी कि हमारे पास क्या है प्लस का बारह है अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर एलेवंथ और तो ट्वेल्थ नंबर को निकाल दिया जाए ठीक है तो एवरेज कितना बचेगा बचे, बचे हुए लोगों का तो देखिए ये प्लस का बारह है हमारे पास किसकी वजह से ये एलेवेंथ और तो ट्वेल्थ की वजह से वही दो बार रिपीट हो जा रहे हैं ना इन बारह बारह में तो बस अब हम बचे हुए लोगों का निकालना है ठीक है तो हम क्या करेंगे ये जो ये दो निकल जाएंगे अगर बाईस में से तो लोग कितने बचेंगे बीस यानी इसकी वैल्यू ये हमारी की तैयारी जीरो पॉइंट सिक्स ठीक है ज़ीरो पॉइंट सिक्स तो ये ज़ीरो पॉइंट सिक्स है एक्स्ट्रा है ना ये ज़ीरो पॉइंट सिक्स एक्स्ट्रा है हमें इन्हें निकाल के फेंकना है ठीक है तो टोटल एवरेज हमारा कितना था थर्टी सेवन पॉइंट फाइव इसमें से जब हम इस ज़ीरो पॉइंट सिक्स को निकाल के रख देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन ये हमारा एवरेज हो गया बचे हुए बीस लोगों का आइए अब हम क्वेश्चन नंबर अट्ठारह देखते हैं क्वेश्चन नंबर अठारह मारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ सोलह सिक्सटीन नंबर इज़ ट्वेंटी थ्री यानी कि सोलह नंबर का जो एवरेज है वो कितना है वो ट्वेंटी थ्री है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट सेवन नंबर यानी शुरू के सात नंबर का जो एवरेज है वो कितना इक्कीस एंड दैट ऑफ द लास्ट एट नंबर इज़ ट्वेंटी फोर बाद के जो आठ नंबर है उनका है कितना चौबीस फाइंड द एट नंबर अच्छा देखिए सोलह टोटल नंबर है जब हम इन्हें टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है सात और सात चौदह और एक पंद्रह ठीक है यानी ये सिर्फ पंद्रह ही नंबर है यानी कि एक नंबर क्या है हमारा मिसिंग है ये वाला नंबर ठीक है तो इसे हम कंपेयर मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं पहले तो ये इससे कितना कम है ये दो कम है सात लोगों पर यानी कि माइनस चौदह आ गया और ये कितना ज़्यादा ये प्लस वन है आठ लोगों पर यानी ये कितना आ गया प्लस का आठ है ना अब ये डिफरेंस देखिए डिफरेंस कितना हो रहा है ये तो ये चार और दो छः ये छः का डिफरेंस आ रहा है किस में माइनस में ठीक है यानी जो नया नंबर होगा उसमें हमें क्या है प्लस करना मतलब हम प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी ठीक है तो तेईस और ये माइनस में था अब क्योंकि यहाँ कमी पड़ रही है हमें एक एक्स्ट्रा एक, एक नंबर बढ़ाना है ठीक है तो ये माइनस है तो हम इसमें जब तेईस में छः प्लस कर देंगे ना तो ये हो जाएगा हमारा ट्वेंटी नाइन और यही वो नंबर है जो हमारा मिसिंग था एटथ नंबर और यही क्वेश्चन में पूछा था आइए हम क्वेश्चन नंबर उन्नीस करते हैं तो उन्नीस क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे कि द एवरेज ऑफ ट्वेंटी फाइव नंबर इज़ अट्ठारह सेम क्वेश्चन है भी पिछले अट्ठारहवें क्वेश्चन की तरह ही कि पच्चीस नंबर का जो एवरेज है वो कितना है अट्ठारह द एवरेज ऑफ द फर्स्ट ट्वेल्व नंबर ऑफ दीज इज़ फोर्टीन शुरू के जो बारह हैं उनका एवरेज कितना है चौदह एंड दैट ऑफ द लास्ट ट्वेल्व ऑफ दीज इज़ सेवेंटीन और बाद के जो बारह हैं उनका कितना है सत्रह ठीक है तो ये कितना हो रहा है बारह और बारह चौबीस अब देखिए एक नंबर मिसिंग है है ना एक वैल्यू मिसिंग है बारह और बारह एक चौबीस हो रहा जब 25 है जबकि नंबर पच्चीस दिए हैं तो हम इसे करते हैं देखिए सॉल्व तो ये कितना है इससे टोटल एवरेज से माइनस चार कम है और ये कितना है टोटल एवरेज से माइनस वन कम है दोनों ही कम है ठीक है तो ये कितना हो रहा है माइनस का फाइव हो रहा है जब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे और बारह पर कम हो रहा है या बारह तो ये इसे कितना होगा माइनस का सिक्सटी अब ये देखिए ये अगर माइनस का सिक्सटी आ रहा है ठीक है तो वो जो नंबर मिसिंग है उसको हमें बढ़ाना है ऐड करना है तो इस अट्ठारह में हम ये सिक्सटी का प्लस कर देंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा सेवेंटी एट तो यही वो जो एक नंबर मिसिंग था ना अठारवा नंबर ये उसी की वैल्यू सेवेंटी एट आइए अब हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ़ द फाइव नंबर्स गिवन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज़ थर्टी टू ठीक है यानी कि पाँच नंबर एक ऑर्डर में दिए हुए हैं उनका एवरेज कितना है थर्टी टू है ना द एवरेज ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर शुरू के जो तीन नंबर है उनका एवरेज कितना दिया है हमें ट्वेंटी एट वाइल देट ऑफ द लास्ट थ्री नंबर और लास्ट के जो तीन नंबर है उनका एवरेज कितना दिया हमें थर्टी फोर तो देखिए तीन और तीन छः हो रहा है जबकि पाँच नंबर है एक नंबर कोई सा पक्का रिपीट कर रहा है ठीक है तो वो एक नंबर रिपीट कर रहा है जो तो उसको निकालते हैं देखिए तो ये कितना हो रहा है हमारा ये ट्वेंटी एट और सतना फोर कम है और ये कितना ज़्यादा है प्लस टू ज़्यादा है तो देखिए ये कितना माइनस टू का डिफरेंस अब माइनस टू तीन लोगों पर यानी कि ये कितना हो रहा है माइनस सिक्स ठीक है यानी कि ये हमारा हो रहा है कितना माइनस सिक्स तो ये माइनस सिक्स जो आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है ये शुरू के तीन वालों की वजह से आ रहा है माइनस सिक्स क्योंकि इन्हीं में कमी थी ठीक है तो हमें क्या करना है कि शुरू के शुरू के, के ही तीन लोगों का एवरेज निकालना है तो इसमें से हम शुरू के दो लोगों का निकालना है तो तीन का दिया है दो का निकालना है हम दो से डिवाइड कर देंगे तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा ये हमारा माइनस थ्री तो बस इस थर्टी टू में से पूरे पाँच के पाँच में से इस माइनस थ्री को कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा ट्वेंटी नाइन और यही हमारे शुरू के दो का एवरेज है ये अब हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखते हैं ट्वेंटी वन क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द फोर नंबर गिवन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज फोर्टी एट यानी कि मान लीजिए एक एवरेज चार नंबर कौन से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनका एवरेज कितना दिया हमें फोर्टी एट ठीक है अगर हम इसका टोटल निकालें तो फोर्टी एट इंटू फोर करेंगे तो ये टोटल हमारा कितना आ रहा है देखिए ये टोटल हमारा आ रहा है वन नाइन्टी टू है ना और क्या बोल रहा है आगे कि शुरू के जो तीन है यानी फर्स्ट एवरेज फर्स्ट थ्री नंबर्स का जो एवरेज है ए प्लस बी प्लस सी इसका जो एवरेज है वो कितना हमें बोल रहा है फोर्टी टू यानी इसका टोटल हमारा निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है वन ट्वेंटी सिक्स और बोल रहा है लास्ट थ्री का जो एवरेज वो है वो कितना है यानी कि बी प्लस सी प्लस डी इसका एवरेज कितना बोल रहा है फिफ्टी इसका टोटल अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो रहा है हमारा वन फिफ्टी है ना अब यहाँ से देखिए हम ए प्लस ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ए फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज पूछा है यानी ए और डी का एवरेज पूछा है तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बी सी डी की वैल्यू निकाल दी इसमें से बी सी डी हटा देंगे बचा हुए हमारा ये आ जाएगा तो वन नाइनटी टू में से हम वन फिफ्टी निकाल देंगे तो ये हमारा आ गया फोर्टी टू ए की वैल्यू और इसी तरह से डी निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे शुरू के तीन का हटा देंगे ठीक है 126 तो हमारी उसकी डी की वैल्यू हो जाएगी तो 192 में से 126 हटाएंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है सिक्स और सिक्स सिक्सटी सिक्स ठीक है बस अब देखिए ए और डी की वैल्यू हमें मिल गई एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं सम करते हैं अपॉन नंबर ऑफ़ टर्म्स तो ये कितना हो रहा है छः चार दस और आठ ये बस टू फाइव जा और टू फोर जा फिफ़्टी फोर हमारा एवरेज का आंसर आइए हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू करते हैं ट्वेंटी टू हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ फिफ्टीन रिजल्ट इज ट्वेंटी वन यानी पंद्रह रिजल्ट का एवरेज कितना दिया है हमें ट्वेंटी वन द एवरेज ऑफ द सेवन ऑफ दोज इज़ ट्वेंटी वन अच्छा बाद के जो सात हैं उनमें इक्कीस दिया है और द एवरेज ऑफ़ द लास्ट सेवन इज़ ट्वेंटी यानी कि बाद के जो सात हैं उनका बीस दिया है ठीक है तो बोला कि व्हाट इज़ द एट देखिए ये सात और सात कितना हो रहा है चौदह जबकि नंबर हमें पंद्रह दी यानी एक नंबर मिसिंग है वो एक नंबर निकालना है हमें तो देखिए यहाँ पर क्या आता है जीरो ये तो कोई वैल्यू नहीं है डिफरेंस यहाँ पर देखिए ज़ीरो आ रहा है ठीक है इसके कंपेयर करा लेकिन जब यहाँ करा तो ये हमारा कितना माइनस वन आ रहा है माइनस वन कितने लोगों पर सात लोगों पर यानी कि ये हमारा आ गया माइनस सेवन ठीक है तो हम इस माइनस सेवन को जो हमारा नंबर मिसिंग है उसमें हमने हमें ऐड करना है ठीक है रिमूव नहीं करना है हमें बढ़ाना है नंबर तो वो 21 में हम 7 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना होएगा 28 यही हमारा वो एट नंबर है जो कि मिसिंग था और यही हमारा आंसर आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं 23 क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो रिपीट क्वेश्चन जैसे हमने पहले सेट में जो हमने शुरू के स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे ना वैसे उस तरह का रिपीट क्वेश्चन तो इसलिए हम सीधा ट्वेंटी फोर क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ फिफ्टीन नंबर्स इज थर्टी यानी कि पंद्रह नंबर का एवरेज कितना है थर्टी है वाइल द एवरेज ऑफ थर्टीन ऑफ दीज नंबर इज़ थर्टी टू और जो तेरह नंबर हैं इनमें से उनका जो एवरेज जो वो है वो कितना है थर्टी टू इफ द रिमेनिंग टू नंबर सर इक्वल अच्छा बाद के जो एक्स्ट्रा दो नंबर हैं हमारे ठीक है तेरह है हुआ चौदह और पंद्रह जो फोर्टीनथ और फिफ्टीनथ नंबर है हमारे ये इसने लिखे नहीं है ये बोल रहा है हमें कि इन्हें निकालना है और ये दोनों बराबर हैं तो कुछ नहीं है बहुत ही ईजी है देखिए इसका एवरेज ये यानी हम इसका टोटल निकाल लेते हैं कितना हो रहा है पंद्रह तिया पैंतालीस यानी ये हो रहा है साढ़े चार सौ और जब हम इसका टोटल निकालेंगे तो कितना हो रहा है तेरह दोनों छब्बीस दो तेरह तिया उनतालीस चालीस इकतालीस इकतालीस बस अब देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है डिफरेंस आ रहा है हमारा ये चार और ये थ्री थर्टी फोर का डिफरेंस आ रहा है अब ये थर्टी फोर वही दो नंबर होंगे ना जो कि लिखे नहीं है ठीक है तो यानी कि अब वो दोनों क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों बराबर हैं ठीक है यानी कि सत्रह सत्रह दोनों में डिवाइड हो गए होंगे है ना तभी तो ये थर्टी फोर आ रहा है यानी कि हमारा इंडिविजुअल नंबर कौन सा है तो सत्रह ये हमारा आंसर हो गया आइए अब हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखते हैं तो हम ट्वेंटी फोर के बाद ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स भी छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वो रिपीट कॉन्सेप्ट ही हमारा तो कॉन्सेप्ट ये कि कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है हमारे जबरन टाइम वेस्ट होएगा वो टाइप का सवाल हम कर चुके हैं पहले तो सीधा हम ट्वेंटी सेवन सवाल देखते हैं तो ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि ऑफ द थ्री नंबर्स यानी कि कोई तीन नंबर हैं ए बी और सी ठीक है सेकेंड इज़ वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट नंबर सेकेंड जो है वो थर्ड का और फर्स्ट का वन थर्ड है ठीक है यानी कि अगर ये हम रेशियो लिख करते हैं ठीक है सेकेंड क्या है फर्स्ट का वन थर्ड है यानी कि अगर ये थ्री है तो ये वन होगा ठीक है एंड इज़ ऑल्सो थ्री फोर्थ ऑफ द थर्ड नंबर और जो सेकेंड नंबर के बारे में बोला कि ये थ्री फोर्थ है इस वाले का नंबर किसका सी uh, वाले का ठीक है तो हमें देखिए थ्री है यानी कि अगर ये फोर है तो ये थ्री है इसे देखिए हम रेशियो निकाल लेते हैं तो ये थ्री यहाँ होगा ये वन यहाँ होगा ठीक है यानी कि फोर इस टू थ्री एज टू नाइन ये हमारा आ गया रेशियो तीनों नंबर का ठीक है अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर इज़ वन वन टू देखिए इसका एवरेज हम निकालेंगे तो इसका एवरेज हमारा कितना हो रहा है सात और सात चौदह और दो सोलह सोलह एक्स इसे हम एक्स ले लेते हैं नंबर हमें पता नहीं क्योंकि हमने रेशियो लिया ठीक है सिक्सटीन एक्स बाय थ्री इसकी वैल्यू हमें बोल रहा है वन वन टू है ठीक है वन वन टू यानी कि सिक्सटीन एक्स की वैल्यू ये है टोटल हम इसका करेंगे तो वन वन टू इंटू थ्री और ये सिक्सटीन यहाँ आ जाएगा कट के तो ये सिक्सटीन हमने नीचे लिख दिया अब हम इसे सॉल्व करेंगे बस ठीक है तो ये हमारा कितना हो रहा है चार से काट दिया ना चार सौ को सोलह और चार दूनी आठ चार याठ बत्तीस चार सत्तर अट्ठाईस यानी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है ट्वेंटी वन ठीक है एक्स की वैल्यू ट्वेंटी वन आ रही है अब क्वेश्चन में क्या पूछे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा ये थ्री थ्री हमारा स्मॉलेस्ट है ठीक है यानी कि बी की वैल्यू तो ट्वेंटी वन इंटू थ्री ये कितना हो रहा है हमारा थ्री और सिक्स सिक्सटी थ्री ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर और यही हमारा आंसर है आइए अब हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखते हैं ट्वेंटी एट में बोल रहा है हमारा कि द एवरेज ऑफ़ द थ्री नंबर इज़ फिफ्टीन अच्छा तीन नंबर हैं ए प्लस बी प्लस सी इनका एवरेज कितना दिया है फिफ्टीन ठीक है यानी कि इनका टोटल क्या होगा इनका टोटल होगा ये देखिए फिफ्टीन थ्री फोर्टी फाइव ये इनका टोटल हो रहा है अब क्या बोल रहा है कि एवरेज ऑफ़ द सेकेंड एंड थर्ड नंबर यानी बी प्लस सी इसका एवरेज कितना दिया है हमें ट्वेल्व पॉइंट फाइव ठीक है, है यानी इसका टोटल क्या होगा हमारा तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल होगा हमारा ट्वेंटी फाइव अब बस फर्स्ट नंबर पूछा है तो जाहिर सी बात है जो डिफरेंस होगा वही फर्स्ट नंबर यानी ट्वेंटी हमारा आंसर हो गया ये हमारा एक की वैल्यू आइए हम क्वेश्चन नंबर थर्टी करते हैं ट्वेंटी नाइन भी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ट्वेंटी नाइन भी सेम क्वेश्चन ये रिपीट वाला वो ये सारे वही रिपीट क्वेश्चन जिसमें वो बोलता है ना कि शुरू के पाँच का इतना है बाद के चार का इतना है वो बीच में तीन टर्म्स को मिस कर देता है जैसे सिक्स सेवन तो और एट कर दिया और बोल रहा है कि सिक्स वाला नाइन से फोर ज्यादा या एट्थ वाले से टू ज़्यादा इस तरह से जो क्वेश्चन थे वो सब हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम पहले ही उसके काफ़ी तीन चार क्वेश्चन कर चुके हैं तो अब हम थर्टी क्वेश्चन करते हैं थर्टी क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि द एवरेज ऑफ नाइन नंबर इज फिफ्टीन नौ नंबर है उनका एवरेज कितना है फिफ्टीन ठीक है इफ़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट फाइव नंबर यानी शुरू के पाँच नंबर का एवरेज वो क्या है थर्टीन है एंड द एवरेज ऑफ़ द लास्ट फाइव नंबर इस सेवनटीन और बाद के जो पांच नंबर है उनका एवरेज कितना है सेवनटीन यानी ये देखिए ये पाँच और पाँच दस हो रहा है जबकि वैल्यू तो हमारी सिर्फ नौ बोली यानी एक नंबर एक्स्ट्रा तो आ रहा है हमारा अब हम इसे कंपेयर मेथड सॉल्व करते हैं उसे निकालने के लिए तो इसे क्या करेंगे हम ये माइनस टू है इससे और ये प्लस टू है यानी माइनस टू प्लस टू जीरो ये तो हमारा ज़ीरो आ रहा है अब जीरो आ रहा है इसका मतलब हम इस फिफ्टी में जीरो घटाएंगे बढ़ाएंगे कुछ भी करेंगे कोई मतलब नहीं ठीक है यानी जो नंबर हमारा एक्स्ट्रा है ना मान लीजिए कि फिफ्थ नंबर फिफ्थ नंबर जो दो बार काउंट हो रहा है हमारा ये एक्स्ट्रा है तो जीरो इफेक्ट आया तो यानी कि वो नंबर फिफ्टीन थी होगा हो हमारा उसकी वैल्यू फिफ्टीन थी होगी तो इसी के साथ हमारा टाइप थ्री खत्म हो रहा है इसमें ही क्वेश्चन थे बुक में तो टाइप थ्री के हमने सारे सवाल कर लिए और टाइप फोर के हमारे सिर्फ चार सवाल दिए हुए हैं तो हम उसको टाइप फाइव में ही कवर कर देंगे ठीक है क्योंकि टाइप फाइव के सिर्फ चौदह क्वेश्चन हैं तो नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे तो उसमें टाइप फोर के चार क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे तो हम उसमें हेडिंग डालेंगे टाइप फाइव ठीक है इसीलिए टाइप फाइव रहेगी टाइप फोर की कोई हेडिंग नहीं मिलेगी आपको तो बस इसी के साथ हमारे टाइप थ्री खत्म हो रहा है आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थैंक यू और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें थैंक यू